आपके साथ। SBI की सर्किल कमेटी की बैठक संपन्न। पूना के निजी होटल में आयोजित हुई बैठक। बैठक में SBI स्टाफ एसोसिएशन के अधिकारी हुए शामिल। मौजूदा हालात में बैंक कर्मियों की समस्याओं पर हुई चर्चा, साथ ही समस्या से लड़ने के लिए बनाई गई रणनीति, बैंकों में वेतन की समस्या और छोटे बैंक के विलय पर हुई चर्चा। आगामी 6 अक्टूबर को SBI ने आयोजित किए हैं सम्मेलन। अन्य कर्मियों के साथ इस सम्मेलन में आगे की गाइडलाइन पर होगी चर्चा। सैकड़ों की संख्या में एसोसिएशन के सदस्य रहे उपस्थित। स्टाफ एसोसिएशन पटना सर्किल, जो कि बिहार और झारखंड दोनों जगह फैले हुए हैं, उसका आज सर्किल कमेटी मीटिंग है। ये साल में एक बैठक होती है, आज हम लोग पूर्णिया में ये बैठक कर रहे हैं। इसके अलावे हमारे बीच हमारे सर्किल के प्रेसिडेंट और जो 8 सर्किल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन का है उसके प्रेसिडेंट कॉमरेड राजेश जी भी यहाँ उपस्थित हैं, जो रांची से चल के आए हैं। आज के बैठक में हमारे 7 जोन के DGS 7 जोन के आए हुए हैं, धनबाद, रांची, देवघर, पूर्णिया, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, ये 7 DGS भी आए हुए हैं। ये हम लोग का इंटरनल मीटिंग होता है। आप देख रहे होंगे कि पिछले लगभग 1 वर्ष से हम सारे बैंक कर्मी आंदोलित हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को या प्रबंधन को माननी चाहिए थी, लेकिन उनके द्वारा एक अड़ियल रवैया अपनाने के चलते पिछले दिनों हम लोग दो बार हड़ताल में जा चुके हैं। और आने वाले समय में जो रणनीति बन रही है, उस रणनीति के तहत ही हम लोगों का उद्देश्य है कि हर सेंटर में एक मीटिंग करें और उस मीटिंग को करके अपने मेंबर्स को हम जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो लड़ाई है वो लंबी लड़ाई है और कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई है। हमारा वेतन समझौता लंबित है, हमारे बहुत सारे ऐसे मुद्दा हैं जो सरकार के पास पेंडिंग है। हमारा वर्कमैन डायरेक्टर होता था जो हमारी बातों को प्रबंधन के पास रखता था। मोदी सरकार के आने के बाद लंबे समय से बैंकिंग इंडस्ट्री में वर्कमैन डायरेक्टर का कोई मनोनयन नहीं हुआ। ये सब मुद्दाओं पे कहीं ना कहीं अपने मेंबर्स को जागरूक करने के लिए हम अपने संगठन का अलग अलग जगह पे मीटिंग करते हैं। विलय को लेकर आप अक्सर आवाज़ उठाते रहते हैं कि बैंकों का, आम बैंकों का विलय, ये क्या चीज़ है? देखिए, हम जब भी बैंकर आंदोलन करता है, हमारा पूंजी है कस्टमर, हमारा पूंजी है इस देश की जनता। हम लोगों का प्रयास होता है कि अपने ग्राहकों को और इस देश की जनता को स्थिति बताएं। अगर आप छोटे बैंकों को मिला के बड़े बैंक बनाने के लिए जो सरकार का दावा है कि उससे देश में बड़े बैंक हो जाएंगे 8-9, तो बैंक की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अगर ये बात है तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर्स में जो छोटे छोटे उद्योगपतियों को जो बैंक खोलने का लाइसेंस दे रहे हैं, ये तो उस धारणा के विपरीत हो जाता है। कहीं ना कहीं सरकार के मन में बैठा हुआ है कि इस देश में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, पुनः एक बार प्राइवेट की ओर ले जाने के लिए। और आप भी जानते हैं कि जो बैंक घाटा में है उसको कोई नहीं खरीदेगा, तो 2-3 बड़े बैंकों को मिला के एक बड़ा बैंक बना के कहीं ना कहीं सरकार के मन में ये साजिश है कि हम इसको बाद में प्राइवेट कर दें। इस बैठक के बाद आप कल सम्मेलन भी करने वाले हैं? बिल्कुल। सम्मेलन का कार्य क्या? देखिए, उस सम्मेलन को हम लोग 2 सत्र में बांटे हैं। प्रथम सत्र जो औपचारिक होता है, क्योंकि हम आपके पूर्णिया में काफ़ी लंबे समय के बाद हमारे जो DGS हैं कॉमरेड मधुरेश जी के द्वारा और ख़ास करके हमारे जनरल सेक्रेटरी का ये अपना मॉड्यूल हो जाता है, तो हम यहीं से अपने पूरे बिहार और झारखंड में जो जागरूकता का अभियान चला रहे हैं उसकी शुरुआत हम लोग कल यहीं से करने जा रहे हैं। और कल प्रथम सत्र के बाद द्वितीय सत्र में सारे सदस्यों के बीच में अभी जो ज्वलंत मुद्दा है उनके बारे में हम लोग चिंतन करेंगे और निर्देश देंगे। आने वाले समय में जो लड़ाई की रूपरेखा बनने जा रही है उसमें क्या भूमिका होगी एक एक मेंबर की।